अभी जो आपने ये देखा ना, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम बन चुकी है और बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत पैसे हमारे खर्च होते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? हाय दोस्तों, मेरा नाम लीना है और मैं आपको आज इस वीडियो में उन्हीं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत बेसिक हैं और जिनकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत है। पहला प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़रूरी है आपके स्किन केयर प्रोडक्ट के लिस्ट में, वो है एक अच्छा मेकअप रिमूवर। मेकअप रिमूवर आपके स्किन केयर रूटीन का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। ज़्यादातर स्किन रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपके पोर्स में जमी दिन भर की गंदगी को साफ ना करने की वजह से होती है। आपको 4 या 5 तरह के अलग अलग मेकअप रिमूवर में अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा मेकअप रिमूवर रखिए जो कि आपका वाटरप्रूफ मेकअप जो है वो भी रिमूव कर दे, और साथ ही जो लिप एंड आई मेकअप रिमूवर हो, यानी जिस प्रोडक्ट को बेसिकली आप अपने आईज और लिप्स पे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप उसे अपने फेस पे भी यूज़ कर पाएंगे मेरे हिसाब से। मैं करेंटली इस मेकअप रिमूवर को यूज़ कर रही हूँ, इस बाय लोरियल, एंड ये लिप एंड आई मेकअप रिमूवर है और साथ ही ये वाटरप्रूफ मेकअप भी रिमूव करता है। एंड इट कम्स फॉर 390 रुपीज़ फॉर 125 ml। पहले मैं न्यूट्रोजीना का प्रोडक्ट यूज़ करती थी, बट आई थिंक दिस इज़ बेटर दैन दैट बिकॉज ये आपके फेस को ग्रीजी नहीं करता एंड ऑल्सो बहुत अच्छा है आपके स्किन के लिए एंड ईजिली आपके मेकअप को एक स्वाइप में निकाल देता है। आई एम रियली हैप्पी विद दिस एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस। ना, अभी हमें अलग अलग मेकअप रिमूवर में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, पर उन लोगों के लिए जिनकी हाईली सेंसिटिव स्किन है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई वर्जिन कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल आपके स्किन के लिए बहुत ही सूदिंग है और नरिश करता है। दूसरा प्रोडक्ट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक अच्छा क्लेंज़र या फेस वॉश। नाउ फेस वॉश आपको आपके स्किन के अकॉर्डिंगली ही चूज़ करना चाहिए। अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयली स्किन है, देन गो फॉर अ फोमिंग फेस वॉश, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ऐसा कोई क्लेंज़र या फेस वॉश लीजिए जो कि बहुत जेंटल हो आपकी स्किन पे और जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो और अल्कोहल ना हो, आपकी स्किन को ड्राई ना करे और आपकी स्किन में किसी तरह का खिंचाव ना हो। मैं करेंटली इस फेस वॉश को यूज़ कर रही हूँ, इस बाय न्यूट्रोजीना एंड इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसकी स्मेल बिल्कुल फेनल सीड्स की जैसी होती है, बहुत बहुत अच्छा फेस वॉश है ये एंड जस्ट क्लीन्स योर फेस रियली रियली वेल। सो थर्ड प्रोडक्ट जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है रोज़ वाटर। मैंने रोज़ वाटर को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये आपके लिए, आपके स्किन के लिए एक नेचुरल टोनर का भी काम करता है एंड साथ ही मल्टीपर्पज़ है, आप किसी भी फेस पैक के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं करेंटली विश केयर का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, इज़ देयर कन्नौज रोज़ वाटर 200 ml एंड इट कम्स फॉर 399 rupees। बहुत अच्छा रोज़ वाटर है, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाला है, थोड़ा सा बचा है इतना। दूसरा रोज़ वाटर जो मैं यूज़ करती हूँ इज़ बाई कामा आयुर्वेदा, इज़ दैर प्योर रोज़ वाटर स्टीम डिस्टिल्ड एंड ये 25 ml के ट्रैवल साइज बॉटल में अवेलेबल है एंड मैं इसे कहीं पे भी जाते वक्त अपने बैग में डाल के ले जाती हूँ। सो या इट्स वेरी हैंडी, वेरी नाइस प्रोडक्ट। और फोर्थ प्रोडक्ट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक अच्छा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के बिना तो काम ही नहीं चलता, और अगर आपकी ड्राई स्किन है देन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मॉइस्चराइज़र कितना ज़रूरी है आपके लिए। पहले आप ये पता लगाएं कि आपकी स्किन टाइप क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ड्राई स्किन है देन यू शुड गो फॉर अ थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र, एंड अगर आपकी ऑयली, एक्सेसिवली ऑयली स्किन है देन गो फॉर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो कि जेल के फॉर्म में होते हैं। एंड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है देन आपको ऐसे मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करने चाहिए जो कि फ्रेग्रेंस फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत इरिटेट कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा और रैशेज एंड एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं करेंटली इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर रही हूँ, इस बाय न्यूट्रोजीना ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। मेरी स्किन चेंज होती रहती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, कभी टी जोन मेरी बहुत ऑयली हो जाती है, कभी नोज़ एरिया बहुत ड्राई हो जाता है। सो या दिस वर्क्स रियली वेल। नाउ कम्स सनस्क्रीन। देखिए, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है आपके स्किन के लिए, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मॉर्निंग 6 am to 9 am एंड इवनिंग के 5 pm के बाद सनसेट तक आपके लिए सन रेज बहुत बहुत अच्छे हैं आपके स्किन के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, तो उस वक्त आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सन रेज लेना बहुत बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप 9 am के बाद निकलते हैं या दोपहर को निकलते हैं बहुत कड़ी धूप में, देन उस वक्त आपके लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सन रेज आपके स्किन को बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं।
इवन स्किन कैंसर की भी प्रॉब्लम होती है। मैं करेंटली इस सनस्क्रीन को यूज़ करती हूँ, इस बाई लैक्टोकैलामाइन डेली सनशील्ड SPF 50 एंड इट्स वेरी नाइस, नॉन ग्रीजी। लास्ट प्रोडक्ट जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एक अच्छा लिप बाम। ना लिप बाम की तो ज़रूरत होती है थ्रू आउट द ईयर एंड चैप्ड लिप्स। मैं वो लिप बाम्स जो कि कंटेनर में होते हैं, पॉट में होते हैं, उन्हें पसंद नहीं करती। मैं स्टिक लिप बाम्स यूज़ करती हूँ बिकॉज वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। मैं करेंटली इस लिप बाम को यूज़ कर रही हूँ, इट्स बर्ड्स बीज लिप बाम विथ विटामिन ई एंड पेपरमिंट। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। इसके अलावा मेरे पास एक और लिप बाम है एंड इट्स अ टिंटेड लिप बाम, इट्स बाय नीविया द बेसिक वन। आई थिंक ये दोनों ही लिप बाम्स बहुत अच्छे हैं एंड दे डू द जॉब। नाउ ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको रिकमेंड किए ये बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पास होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा मैंने नाइट क्रीम, एसेंस, सीरम्स, हायलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, ये सारे चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की हैं। अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है देन इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग समवन ब्लाइंडली एंड कोई भी ब्लाइंड बाय करने के पहले आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपकी स्किन को समझ पाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए जो सही है वो प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे एंड ऑल्सो ट्राई टू हील इट फ्रॉम विद इन। एंड या दैट्स ऑल आई हैव टू से गाइस, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो देन, बाय।